गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, माई एक्ने इज आर फाइनली गेटिंग अ लिटिल बेटर। पुणे का पानी बहुत गंदा है, मेरे हेयर और स्किन पे उसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। सो टूडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी अ फन व्लॉग, क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है और आज मेरी सिस्टर्स आने वाली है यहाँ पे। तो दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट व्हाट आर वी डूइंग ऑन आर एनिवर्सरी। मैं आशु के लिए या आशु मेरे लिए पता नहीं क्या करने वाले हैं, एंड द फन दैट वी आर गोइंग टू डू अलॉन्ग विद माई सिस्टर्स। तो लेट्स प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। और आज सैटरडे है, मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज आशु का टिफिन नहीं बनाना था। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी आज पूरा दिन, मतलब ऑब्वियसली घर के काम नहीं दिखाऊंगी, आई विल जस्ट शो यू कि मैं आज पूरा दिन क्या क्या करने वाली हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं खा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, चीला एंड इम्पॉर्टेंट कर्ड, और मैं देख रही हूँ बिग बॉस। तो बिग बॉस देखते देखते आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट एंड आई विल सी यू। फ्रेंड्स, अभी मुझे मार्केट पे एक नोटिफिकेशन आया है स्विगी से, और दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोड बाय आशीष। तो आई एम अज्यूमिंग कि आशु ने मेरे लिए कुछ भेजा है, लेट्स वेट। सो फ्रेंड्स, आशु ने मेरे लिए जो है स्विगी से ये वोफल्स भेजे थे। आई लव 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 वोफल्स, और मैंने मेरे बर्थडे पे भी वोफल केक ही कट किया था। सो या दिस इज़ व्हाट ही हैड सेड टू मी मॉर्निंग में हमारा, मतलब मैंने उनको कुछ चीज़ें सुनाई थी दैट ही डजंट डू एनीथिंग फॉर मी एंड ऑल। और मैं अकेली हूँ घर पे, बट इट्स यम, आई लव वोफल्स। ये जो है ये सब मेरा घर संसार है, और ये आशु का घर संसार है, और भी है कुछ इधर भी, पीछे भी दिखेगा आपको, और कुछ इसके अंदर भी है, कुछ ये चेयर के ऊपर भी है। और मैंने उनको कब से बोला है, जनरली ना ये आशु का घर संसार रहता है उनकी कार में, बट अभी कार सर्विसिंग के लिए दी थी तो ये उन्होंने लाके इधर रख दिया है। अभी मैं, इट्स सो हैवी, ओ गॉड, मैंने सोचा इसको मैं अभी जाके रखूंगी आशु के कार के अंदर, बट बहुत हैवी है, इंस्टॉलमेंट में लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको लिफ्ट में रखूंगी और ये जाके मैं आशु के कार में रख दूंगी, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा मेसी लग रहा है। तो ये एक बैग है, ये बैडमिंटन वाली, जो मैं लटका सकती हूँ, और इसमें इसके अंदर बहुत 5-6 बैट्स है जो कि बहुत हैवी है, एंड ओह शिट, इसमें बॉल्स वगैरह वो सारा चीज़ है। तो आई विल जस्ट डम देम इन हिज कार। तो गाइस, जिस तरीके से गाड़ी पार्क करी है, आई एम नॉट श्योर पीछे से मैं रख पाऊंगी कि नहीं, लेट्स ट्राई। बाप रे, तो यहाँ पे डम कर दूंगी मैं इनकी चीज़ें। फ्रेंड्स, घर के काम निपटने के बाद आफ्टरनून में मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम था, सो आई जस्ट थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग इट। मैंने कुछ रील्स बनाए, मुझे रेडी होने का भी बहुत मन कर रहा था, आई वॉज टायर्ड ऑफ सीइंग माई सेल्फ लाइक दैट। यार, मैंने अभी कुछ रील्स बनाई और वो रील्स के चक्कर में मैं, ये प्रॉप था मेरा आशु का हेयर फॉर्म, और ये टूट गया है, जुड़ भी गया, और मैंने अपना ट्राईपॉड भी तोड़ दिया है, और ये मीशो पर रिटर्न भी नहीं हो रहा है। सो या एक रील के चक्कर में मैंने बहुत सारा अपना नुकसान कर लिया है। तो गाइज, आई एम सो टायर्ड नाउ, मेरा मेकअप मुझे हटाने का मन नहीं कर रहा है, बट आई जस्ट रिमूव दिस मेकअप और मैं सो जाऊंगी। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी गाइज, मैं जस्ट अभी मैं सोने के लिए गई थी, और जैसे मुझे नींद लगी डोरबेल बजी एंड कोई आया है। मुझे लगा मेरे एनिवर्सरी पे माय हस्बैंड मेरे को सरप्राइज देने आए, लेकिन आपको क्यों आए हो बच्चा? मैच है, इंडिया 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 इंडिया। कुछ करने वाले हैं कि कल ही करेंगे कुछ, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? कितने नकली हंसे थे। तो ठीक है गाइज, अब पता नहीं एनिवर्सरी का, अब तो सब इंडिया इंडिया ही होने वाला है यहाँ पे।
गाइज आशु जो गिने चुने घर के काम करते हैं उसमें वन ऑफ द टास्क दैट ही नीड्स टू डू एवरी वीकेंड इज प्रेसिंग हिज टी शर्ट्स एंड डेनिम्स, बाकी फॉर्मल्स तो बाहर से प्रेस होके आते हैं. सो ही वॉज डूइंग इट इन बिटवीन द वीक सो दैट वीकेंड में हम चिल मार सके. फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल रहे मेरी बहनों को पिक करने के लिए. दे शुड रीच पुणे इन लाइक नेक्स्ट 20-25 मिनट्स. अभी हम लोग उनको पिक करेंगे. मैं सोच रही हूँ एक प्रैंक करूँ उनके साथ, मैं पीछे छुप जाती हूँ एंड देन आई विल जस्ट शो देम कि मैं मतलब मैं उनको सरप्राइज दूँ. लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. तो गाइस मैंने आशु को पूछा वेदर ही वांट्स फ्लावर्स. ही सेड नो. मैंने बोला मुझे चाहिए. ही सेड हाँ मुझे पता है तेरे को चाहिए. मैंने फ्लावर्स लिए. कीप पेमेंट भी मैंने किया. तो अब ये फ्लावर्स मेरे लिए कि आशु के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज आई हैव पेड फॉर इट एंड आई वांटेड फ्लावर्स. अब मुझे दे देना वापस. गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू आशु वॉज सेइंग कि मैं तुझे जीपे कर देता हूँ इसके पैसे और मैं तुझे दे देता हूँ फ्लावर्स. मैंने बोला आई वांटेड टू बाय. आई वाज ड्राइविंग. नहीं मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट क्रेडिट. आई कांट गिव दैट क्रेडिट टू यू. यू शुड हैव बॉट देम बिफोर आई बाय इट. सो या दिस आर ब्यूटीफुल. गाइस तो मेरी बहनें आ रही है अभी यहाँ पे और मैं यहाँ पे अभी छुप के बैठने वाली हूँ. हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए पुणे. रास्ते अच्छे से क्रॉस किए हमने. ऑफिस वाले फ्रेंड्स अभी हमारा खाना वाना हो गया है और अभी हम लोग खेल रहे हैं जेंगा. तो अभी हम लोग झेंगा खेलने के बाद बिजनेस खेलने वाले हैं. उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे. हमारा केक आ चुका है. तो या विल प्ले द गेम एंड देन आई सी यू. बहुत ही गेम इंटरेस्टिंग हो गया है अभी. अरे रुको आप पहले डरा रहे हो मेरे को. ओ गिरा. क्या लगता है ये मेरे तक आ पाएगा? क्या मैं हाथ चेंज कर सकती हूँ प्लीज? कर ले कर ले. तू पहिल्यांदा खेळते ना तू गप्पा बस. माय प्रे करते माझ्यापर्यंत नाही आलं पाहिजे. क्या रे बीच मध्ये निकाल कच्चा लिंबू. हा रे कच्चा लिंबू. आपण ही कामा जागा बोलू शकतो. हॅलो लूजर. जिंकला होती पण याच्यामुळे जिंकत नाही कोणी. आता फक्त हारत. काय फायदा. नीट खेळ रोशनी लक्ष नाही. नो ऐसे खेळणार उलटा करके. एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. मुझे लेना है पहला टिकट. इधर 10,000 होते हैं तो मैं दे देना. पर ये अगर तेरे को मिल जाता ना
एक दाना कम लेके एक नंबर शेयर मिल जाता मतलब पूरे पैसे जाते ना मेरे कितने 3200 तेरे पास तो बहुत पैसे रे क्योंकि कुछ खरीदा ही नहीं मेरे टिकट देखो उनके टिकट देखो उनके टिकट देखो इसका पहला टिकट पनौती नागिनी आई है अरे अगर जो मेरे पैसे दे रही हूं ना अरे ए भाई तू जल्दी कर रहे हां हां सर सर ये तो एक टिकट ले रही है उसमें भी दीदी को जल्दी देख लो दीदी खुशी नहीं देख रहे हो आप मेरी 3200 फ्रेंड्स अभी जो है 12 बज के चले गए एक्चुअली हम लोग गेम खेलने में बिजी हो गए थे तो अभी हम लोग अरे थैंक यू मैं स्पीकर पे लगा रहा हूं और ये यहाँ पे केक कट करने से पहले हमारा बहुत स्ट्रगल चल रहा था टू यू नो गेट प्रॉपर लाइट्स फॉर गुड पिक्चर्स बट कोई अच्छी पिक्चर्स आ ही नहीं रही थी हमने मतलब मल्टीपल टाइम्स हमने लोकेशन चेंज करी लाइट्स एडजस्ट करे बट हो ही नहीं रहा था एंड आई गॉट सो पिस्ड ऑफ तो हमने फाइनली बोला चलो फटाक से केक कट करते सो दैट वी कैन गो टू स्लीप एंड टुमारो वी कैन डिसाइड इफ़ वी गेट टू डू समथिंग और इफ़ वी गो समवेयर लेट्स सी दैट ये हमारे नेबर बहुत प्यारा केक बनाते हैं तो आप मैं बोल नहीं सकती कभी इनसे बनवा लो या आइए पधारिए गाइस लोगो बायो में लिखते हैं ना केक मर्डर ऐसा मतलब ये होता है नंगा हो गया केक ऐसे लग रहा है चाहिए हाउ इज द केक हाय सर हाय सर फ्रेंड्स दैट इज़ इट अबाउट दिस व्लॉग हम लोग नेक्स्ट डे कहीं पे घूमने तो नहीं गए थे बट इवनिंग में मैं मेरी सिस्टर्स और आशु हम लोग क्लबिंग गए थे जहाँ पे हमने बहुत 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 ज़्यादा मज़े किए दिस वॉज इंडीड अ वेरी गुड डे मुझे बहुत अच्छा लगा दैट माई सिस्टर्स केम इन एंड वी हैड अ रियली 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 गुड टाइम हियर वी मिस्ड वन ऑफ आर सिस्टर वो जो नहीं आ पाई बिकॉज शी हैज़ अ स्मॉल बेबी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा रहेगा इनकेस इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ 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 इसको लाइक करना कमेंट करना एंड शेयर करना इफ़ पॉसिबल और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक के तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना थैंक यू